एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए है। कैंसर वाटर साइन होती है। आप इसको राइजिंग साइन, मून साइन और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, आप चाहे तो इसको नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। जैसे भी आपको सही लगे आप उस अनुसार देखें। ध्यान रखना रीडिंग अभी भी जनरल है। मोस्टली पूरी कोशिश की जाती है कि आपके साथ इसकी एक्यूरेसीज मैच हो जाए, बट बाय एनी चांस नहीं होती। तो आपको जो है एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस करवा लेनी चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवा लेनी चाहिए। और अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग बहुत एक्सपेंसिव लगती है तो आप किसी और व्यक्ति से, जिस पे भी आपका भरोसा है, उनसे करवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। ठीक है, सो चले शुरू करते हैं। यूनिवर्स, कैंसर राशि वालों की करंट एनर्जी, कर्क राशि वालों की करंट एनर्जी दे मुझे। कर्क राशि वालों की करंट एनर्जी, दी वर्ल्ड विथ सिक्स ऑफ वॉन्स। ओके, आप किसी क्लोजर से डील करते हुए नजर आ रहे हो। तो वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कुछ चैप्टर्स आपने क्लोज किए हैं अभी रिसेंटली, आपके अंदर कुछ हायर लेवल के चेंजेस भी हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ना देखो बहुत सारी सैडनेस थी, किसी चीज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और अपसेट थे, लो फील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी कुछ तब्दीलियां हैं जिसमें आपके सोचने का और देखने का नज़रिया बदल गया है। मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिविटी आ गई है काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर। पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, मतलब आप पहले जितने कमज़ोर थे अब उतने ही ताकतवर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर जैसे जोश है और चीज़ों को ठीक करने के ना एक अलग ही एनर्जी और उत्साह है आपके अंदर। जैसे कि आप जो है अपने आसपास और अपने अंदर जो है बहुत कुछ बदलना चाहते हैं और सब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। आपने जैसे कोई बीड़ा उठा लिया है कि चलो यार अब मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे तो बात नहीं बनेगी। साथ ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये समय आपकी रिकॉग्निशन का समय है, जहाँ पर आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा नाम मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप कोई भी काम में अपना हाथ या लक ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस समय आप काफी पॉजिटिविटी की एनर्जी में हो, आसपास बहुत पॉजिटिविटी है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर नेम फेम भी हो सकता है, अगर आप अपने करियर में कोई ग्रोथ चाहते हो तो वो पॉसिबल हो सकती है। और अगर आप लोग अपनी जीवन में जैसे कि अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो तो ये समय आपके अंदर बहुत हायर लेवल का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ बदल रहा है। आप दोबारा प्रेम करना सीख रहे हैं, दोबारा आप जो है एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ के बारे में, कैंसर राशि वालों की लव लाइफ की करंट एनर्जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्प्रेस। आपकी लव लाइफ में आपको धोखा मिला है, आपकी लव लाइफ में किसी ने आपकी लॉयल्टी का मजाक बनाया है। जिन पे आपने भरोसा किया वो लोग आपके साथ बहुत ही गलत रहे हैं, आपको डिच किया या किसी और व्यक्ति के लिए ऐसा किया। हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका भरोसा टूटा है कहीं ना कहीं, जिससे रिकवर करने में आपको बहुत समय लगा है, बहुत ज़्यादा समय। आपने एक भरपूर बोलते ना समय लिया है अपने आप को वापस हील करने में, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है आप करेंटली भी ऐसे हो चुके हो जिसमें आप प्यार मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी चीज़ें कर रहे हो, चीज़ें बेहतर कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप जैसे कि दोबारा प्यार करना सीख रहे हो। आपके जीवन में ना जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, तकलीफ रही है, पेन रहा है, और इतनी पेनफुली एक्टिविटी के बाद आप बहुत समय तक जो है किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, बट अब दोबारा आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आप भरोसा करना सीख रहे हो, दोबारा प्यार करना सीख रहे हो। बाकी करंट एनर्जी में यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, किसी ने आपको तकलीफ पहुँचाई है, किसी ने आपको चोट दी है, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत समय लगा बेहतर वापस अपनी पोजिशन में आने के लिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर राशि वालों की फीलिंग्स, अपनी लव लाइफ में एनर्जीज़ क्या होंगी। 19th फरवरी से 25th फरवरी तक कैंसर राशि वालों की एनर्जीज, उनकी लव में क्या रहेंगी, उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ बताएं। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। आप बदल रहे हो, डेफिनेटली आप बदल रहे हो, आप बहुत चेंज हो रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक कैसा है ना, आपको माफ़ करने की आदत थी, आप बहुत छोटी बातों पे ना आसानी से माफ़ करते थे, बड़ी से बड़ी बातों पे भी इनफैक्ट आप माफ़ करने वाली पर्सनालिटी थे। गलतियां देखकर भी ना आप सामने वाले को कभी गलत नहीं बोलते थे, मतलब गलत बोलते थे इन द सेंस
आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, आप ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रह पाते किसी से भी, नहीं आपका गुस्सा नहीं होता, और किसी के लिए भी आप अगर टॉक्सिक भी होते हो ना, कोई दुश्मन भी रहेगा, तो आप ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हो जिसमें अगर किसी दुश्मन ने आके आपसे सॉरी बोला या अपनी तरफ से जो परेशान होना शुरू हुआ, तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है कि अरे इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अरे इसको बेचारे को दुख हो रहा है। आप अपने दुश्मन को भी दुश्मन समझना बंद कर देते हो। बट इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पूरे हफ्ते में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, और एक ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ सॉफ्ट टेडी बियर जैसी कोई चीज़ है जो अचानक से शेर बन गया है, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो लव के लिए। आपके आपके मन में फिलहाल आप कोई नए ऑफर्स में ध्यान नहीं देना चाहते, कोई न्यू लव इंटरेस्ट में आपका जीरो इंटरेस्ट रहेगा, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप लव के लिए रेडी जरूर हो रहे हो, बट इस वक्त आप किसी प्रपोजल्स पे ध्यान नहीं देना चाहते हो। इवन अपने एक्स को भी आप फोकस नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप अपने एक्स पे इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनकी एनर्जीज पे, उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते। आप अपने जीवन में इस वक्त अपने ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, आप खुद में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगे भी, अगर आप एक सिंगल हैं, ऑफर आ भी रहे हैं, किसी को आप डेट भी कर रहे हैं, तो आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि इस वक्त आप इमोशनली किसी पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। बट हाँ, आप लव करना दोबारा सीख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बच्चा है जो पैदा हुआ है और उसको नया नया समझ में आ रहा है कि माँ का प्यार क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है। अच्छा, ये भी एक स्नेह होता है, ये भी एक लव होता है, अटैचमेंट। आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, आपका ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप एक्सेप्टेंस की पोजिशन पे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स बताएं। दी सन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि घमंडी हैं या तो प्रैक्टिकल है, ओवर प्रैक्टिकल सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, या तो बहुत घमंडी या सेल्फिश है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गलतियाँ बार बार करते हैं, ये आपके साथ कुछ चीज़ें गलत करते हैं, पर उस गलती को मानने के बजाय वो गलती आपके ऊपर मर देते हैं। यानी कि इनके अंदर ऐसा है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ, मैं पूरी तरह खुद में राइट हूँ, मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ या करती हूँ, तुम में मैच्योरिटी नहीं है पर मेरे में बहुत मैच्योरिटी है। यानी कि खुद को खुद ही बढ़ा करके दिखाने की एक आदत है आपके पार्टनर, कि वो खुद को खुद बढ़ा करके दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त करंट एनर्जी में अगर मैं देखूं तो इनको लग रहा है इस वक्त जो कर रहे हैं वो राइट है, एकदम राइट है, इनके डिसीजंस राइट है, इनका बिहेवियर राइट है। अगर ये आपको लेकर कोई भी चीज़ें गलत कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि अच्छा इसमें आपका ही दोष है, लाइक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर, पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस मैं मेरे को एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है मैं बहुत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो व्यक्ति कल तक बहुत एक्सप्रेसिव लविंग केयरिंग था, वो व्यक्ति अब थोड़ा सा अहंकारी टाइप की पर्सनालिटी में आ चुका है। यानी यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी, कैंसर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैंसर राशि वालों के लिए क्या रहेगी मुझे बताएं। 19 फेब से 25 फेब तक के लिए देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको लेकर सोच विचार करेंगे लेकिन आपसे कुछ फ़ायदा निकालने की कोशिश में रहेंगे। ये व्यक्ति आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट इस वक्त इनका अपना कोई फ़ायदा रह सकता है। लाइक ये जो है आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपसे कोई बेनिफिट है, अब ये फिजिकल बेनिफिट हो सकता है, मनी या फाइनेंसेस रिलेटेड कोई बेनिफिट हो सकता है, बट ये आपको फिर से जो है अपनी बातों में एक तरीके से ना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर ये वापस से मेंटेनेंस कर रहे हैं या आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं कि चलो यार सब ठीक कर लेते हैं, सब कुछ भूलते हैं, लाइक इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर ये आपके सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट इसका रीज़न ये है कि ये सेल्फिश है, ये किसी बात से, किसी वजह से, किसी पर्पज़ से आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इनका आपसे कोई काम बनता है। अब या तो ये काम, देखो मैं अलग अलग चीज़ें बताती हूँ, आप में से किस चीज़ को क्या रिजोनेट कर पाता है वो बताओ। या तो आपके पार्टनर को आपसे फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड है, जो कि मुझे बहुत कम दिख रही है, या आपके पार्टनर को आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या आपके पार्टनर जो है ऐसा मानते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं, अगर उनके जीवन में आप नहीं रहे तो उनके पैसों का नुकसान बरकरार रहता है, बहुत नुकसान होता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी है। या आपके जाने से, आप दोनों का कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपके जाने से इनके पैसे का बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ऐसी एनर्जी है जिसके वजह से ये आपके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये शुरुआत प्रैक्टिकल है, ये इमोशनल शुरुआत नहीं है। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपके पार्टनर गलती करके भी अपनी गलती फील नहीं कर पाते, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो अपना गलती नहीं मान पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप रॉन्ग कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है एक्शंस क्या है। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक कैंसर राशि वालों के पार्टनर की एक्शन क्या है मुझे बताएं। द एम्परर, आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहेंगे,
इनका जो भी बिहेवियर है, देखो वो आपको बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो नो कॉन्टैक्ट स्थिति सामान्य ही रहेगी, सेम ही रहने वाली, बदलने वाली नहीं, आपके पार्टनर अप्रोच नहीं करेंगे, बट यस आपके साथ कोई गेम खेलेंगे, कोई मैनिपुलेशन करेंगे जिससे आप थोड़े से अपसेट हो और परेशान हो या उनको बात करने पे मजबूर हो जाए। साथ ही अगर आप कॉन्टैक्ट में भी है तभी भी आपके पार्टनर का एटीट्यूड बहुत गंदा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि इनका बिहेवियर कितना रॉन्ग है और कितना गलत है, ये आपको जैसे अपनी कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, ये वापस से जैसे कि आपके साथ ना स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त आपके ऊपर बेसिकली लीड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके ऊपर इनका दबदबा बना रहे, आप इनके कंट्रोल में रहें, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ पैचअप ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है, पैचअप ज़रूर करना चाहते हैं, पर याद रखना इस वक्त इनके जो इंटेंशंस है वो राइट नहीं है, वो इंटेंशंस मुझे समझ में नहीं आ रहे, और जिस इंटेंशंस को आप जो है भाप भी रहे हैं, आपके अंदर इंट्यूशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है कैंसर राशि वालों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एनर्जी आ रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये बंदा जो है या ये बंदी जो है मेरे पास बिना वजह नहीं आया है, या बिना वजह ये जो है चीज़ें ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चाहिए इस इंसान को, आप ये एनर्जी को भाप रहे हैं कहीं ना कहीं, दिस इज द ओनली रीजन आप इस रिलेशनशिप को दोबारा ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे हैं कि इमोशनली आप ऐसे लाइक डोर बंद करके या मुंह पे दरवाजा बंद करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हालांकि इमोशनली आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में दोबारा आ जाए, बट आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इस व्यक्ति ने पहले भी आपका दिल तोड़ा है और कहीं ना कहीं आपको फिर डर है कि ये फिर दिल तोड़ेंगे, इसीलिए आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, मुश्किल है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है इस वक्त कैंसर राशि वालों के लिए, एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में इस हफ्ते 19 फेब से 25 फेब तक कैंसर राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। हीरोपंथ की एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा सा ना समाज के हिसाब से चलना सीखो, लोगों के सामने थोड़ा चाणक्य बनो, यूनिवर्स कह रहा है कि चालाक नहीं हो, बेवकूफ़ बनते हो हर बार, हर बार कोई भी एरा गैरा नथू खैरा आ रहा है और आपको खा जाता है, इस तरीके के बेवकूफ़ हो कि आसानी से आपको निगलना, मतलब आप बहुत इजी टू गेट टाइप पर्सनालिटी हो, आप कभी भी टफ नहीं बनते हो, आप लोगों के सामने नखरे नहीं दिखाते हो, आप लोगों के सामने ऐसे बिहेव नहीं करते हो कि लाइक बोलते ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज को कभी नहीं बचाते हो, जो कि गलत है। यूनिवर्स कह रहा है कि सोसाइटी के हिसाब से चलना सीखो, जैसे लोग वैसा भेज होना चाहिए आपका, अगर लोग लगता है कि बहुत चालाक है, मैन्युपुलेटिव है, तो आपको भी वो चालाकियाँ दिखानी चाहिए, आपको भी वो बिहेवियर में या अपने उठने बैठने में वो चीज़ें सीखनी चाहिए, आपको आने वाले कल में वो चीज़ें काम आएंगी। देखो ये आप उस तरीके से, इस तरीके से हो जैसे महाभारत में अर्जुन जो थे वो अपने अपनों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन उसे उठाने पड़ रहे थे, कृष्णदेव चाहते थे कि वो उठाएं, ये युद्ध लड़े, कर्म करें, बट अर्जुन को क्या लग रहा था कि अरे नहीं मेरे अपने हैं, मैं उनको कैसे मारूं, पर वो उनके अपने ही उनके अगेंस्ट खड़े थे, क्या वो अर्जुन देख पा रहा था, नहीं ना, यही आपको प्रॉब्लम है, आपके अपने ही आपके अगेंस्ट खड़े हैं, आपके अपने लोग ही अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो आप प्रेम से ज़रूर पेश आएं, लव दें, गिविंग एनर्जी रहें, लेकिन आप देखें क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपको क्या चाणक्य नीति करनी चाहिए, दिमाग चलाना सीखो, ठीक है। बाकी उन लोगों की अगर मैं बात करूं जो लोग सिंगल वगैरह हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑफर अच्छा कोई आ सकता है, बट आप कुछ खासा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, आपकी तरफ से मुझे आप जीरो इंटरेस्ट में दिखाई दे रहे हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, और साथ ही अगर आपको कोई लाइक आप सोच रहे हो कि कोई ऑफर आ जाए, तो ये कोई ऑफर देगा भी ना तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूखा रहेगा, जिसकी वजह से सामने वाला कन्फ्यूज हो जाएगा आपकी तरफ से कि भाई आप पता नहीं आपका क्या इंटरेस्ट है, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, ये आपको समझ नहीं पाएंगे, फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ, करियर एस्पेक्ट्स में अगर मैं देखूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर के हिसाब से आपकी ग्रोथ हो सकती है, बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस वक्त हार्डवर्क करना पड़ेगा, इस वक्त कोई नई शुरुआत करने का टाइम मैं कहूँगी राइट है, आप कर सकते हैं कोई नई शुरुआत, लेकिन हाँ ध्यान रखना बिना हार्डवर्क आपको सफलता नहीं मिलने वाली, चाहे वो आपको जॉब हो आपका बिजनेस हो, बिना हार्डवर्क आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा रातों रात मेरी लॉटरी लग जाए या मैं एकदम से शेयर मार्केट में पैसे डाल दूँ और रातों रात मैं अमीर बन जाऊँ, ये नहीं होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क के रिजल्ट अच्छे देखे जाएंगे। और अगर जो लोग बाहर विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं कैंसर राशि वालों, मैं उन लोगों को कहूँगी कि अगर आप देश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अभी लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो सकते हैं या वहां से कोई अच्छी लाइक आंसर या आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है, इस तरीके की एनर्जी है। बाकी आप लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगी, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जीवन में स्ट्रगल्स थोड़े से ज़्यादा हैं और अगर आप कोई रेमेडी वगैरह प्रिफर करना चाहते हैं, तो ट्यूजडे के दिन आपको जो है हरी दाल, जो हरी होती है ना ग्रीन कलर की जो दाल होती है, उसको मूंग दाल भी बोलते हैं कुछ लोग, येलो वाली नहीं बोल रही हूँ, ग्रीन मूंग दाल, हरी मूंग दाल जो होती है वो वाली बोल रही हूँ, आपको जो है दान करनी चाहिए। आप जितना चाहे अपने श्रद्धा अनुसार दान कर दे, किसी भी गरीब को आप दान कर सकते हैं,
कच्ची या पक्की जैसे चाहें आप बना कर दे सकते हैं, आप कच्ची दाल दे सकते हैं जैसे वो अपने घर में जाकर बनाए, किसी भी गरीब को दे सकते हैं। अगर आपको कोई गरीब आसपास नहीं मिल रहा है तो आप किसी मंदिर में जाकर रख के आ सकते हैं। ट्यूसडे के दिन आपको ये करना है। क्या ये आप मेंसेस में कर सकते हैं? यस, ये आप मेंसेस में भी कर सकते हैं, पर मेंसेस के दिन आप मंदिर नहीं जा सकते, तो मंदिर के बाहर आप रख सकते हैं या आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। वो आपको देना चाहिए, ग्रीन कलर की मैं कह रही हूँ, ग्रीन कलर की दाल जो होती है वो आपको ट्यूसडे के दिन देनी है, डोनेट करनी है। उससे आपके लाइफ में अगर कोई बाधाएं आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। बाकी अगर आपको हीलिंग के लिए कोई ब्रेसलेट वगैरह रिक्वायर्ड है, अमित सर का नंबर आपके सामने ही है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप जो है उन्हें मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए अपनी पसंद का ब्रेसलेट डिमांड कर सकते हैं। एनालिसिस के बाद आपको बेस्ट ब्रेसलेट बताया जाता है, आप उस हिसाब से अपने लिए ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मैंने भी जैसे पहना है, आप अपने लिए कुछ बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, अगर आप सेव करते हो नंबर तो डीपी पे ही आपको उसके प्राइसेस दिखाई दे देते हैं। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो ठीक है, नहीं अफोर्डेबल है तो डोंट वरी, जब जब मैं लाइव आऊंगी तब आप पार्टिसिपेट करें। आप लाइव पे बने, लाइव का आपको नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें चैनल को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।